और मैं आपको बता दूं कि मैं 18 साल की उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। एक दिन में 30 रुपया मैं कमाता था, महीने का 900 रुपया महीने का मैं कमाता था। और ये हम अपनी जिंदगी में संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में जहां पे रहने के लिए घर नहीं था, जहां पे अपने आप को फ्रेश होने के लिए जगह नहीं था, पब्लिक शौचालय में जाना पड़ता था, ऐसी जिंदगी मैंने जिया है। फुटपाथ पे मैंने खाना खाया है, फुटपाथ पे अपनी जिंदगी को बिताया है, और वहीं से हमने संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में भी अपने एक अच्छा मुकाम मैंने बनाया। और उसके बाद बिहार में मैं आया, अपने लोगों का हक अधिकार के लिए मैंने देखा कि हजारों समस्या है, जहां हजारों समस्या है वहीं पे मेरा भी जन्म हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे अपने लोगों के लिए बेहतर कुछ करे, और मैंने मुंबई के ऐशोराम की जिंदगी को छोड़कर बिहार में आया। आपने देखा कि कितना मैंने संघर्ष किया, कितनी मैंने लड़ाई लड़ा, लाठी डंडा खाया, 7 दिन तक अनशन पे बैठा, जितना मुझे मेहनत करना था मैंने किया। और मेहनत करने के बाद 2020 में अच्छी तरीके से एक मुकाम मिला, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम करने का मौका मिला, और लोगों को ये हजम नहीं हुआ कि उन देखे कि ये व्यक्ति संघर्ष के दम पर जब हमें 11 सीट देने पर मजबूर कर सकता है, तो ये लड़का आने वाले समय में बहुत मेहनत करेगा, और शायद 11 सीट पे इनकी समझौता नहीं होगा, शायद 100 पे समझौता हो। तो उन्होंने ये देखा कि इसको कैसे रोका जाए, तो उन्होंने रोकने का काम किया है। और हम तो कुछ भी हाथ में नहीं था, जीरो में था, संघर्ष करना मैंने सीखा, और संघर्ष के बदौलत मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या मैं अपने समाज के लिए आरक्षण मांग रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं अति पिछड़ा समाज को हक अधिकार दिलाना चाहता हूँ, जितने उनकी संख्या है उतने में उनको आरक्षण दिलाना चाहता हूँ, मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं कर्पूरी ठाकुर जी का सपना पूरा करना चाहता हूँ, क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं चाह रहा हूँ कि देश में जातिगत जनगणना हो, उसके लिए मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? तो मैं हर चीज में मुखर के अपनी बात को रखता था, मैं अपने काम को कर रहा था, लेकिन लोगों को लगा कि ये बड़ा हीरो हो जाएगा, काम करेंगे। कल ही हमने बेतिया में करबरा सरैया मन है 348 एकड़ का, जो 20 साल से विभाग प्रयास कर रहा था कि ये विभाग में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मैंने कल ही कैबिनेट से पास कराया और विभाग में हमने ट्रांसफर किया। वो मन में झील में कम से कम 10,000 परिवार का घर गुजर बसर हो सकता है, खास करके मछुआरा भाई का, तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। आज बिहार में 32,000 तालाब है, जिसमें से 15,000 तालाब से अधिक तालाब पे कब्जा हो चुका है, अतिक्रमण हो चुका है। मैं उसके लिए प्रयास हूँ, अलग से टीम बनाकर उसको मैं चाहता हूँ कि अतिक्रमण मुक्त कराऊं। तो लोगों को लगता है कि ये काम करने के बाद कहीं ना कहीं इस समुदाय में हीरो बन जाएंगे, तो इसलिए लोगों ने रोकने का काम किया है, और मैं मजबूती से आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी जिंदगी में तो बचपन से ही संघर्ष है, जो आज हुआ है ऐसी बात नहीं था कि मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे सब पता था कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी बनाकर रखूं कि जिनको मैं बोलूं कि उठो तो उठेंगे, बोलूंगा बैठो तो बैठेंगे। तो ये पहले हुआ करता था किसी कालखंड में, समाज में कुछ ऐसे नेता था जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो ऐसे करते थे कि किसी के कहने पे सुनने पर उठते थे या बैठते थे। लेकिन आज मुझे भरोसा है कि बिहार ही नहीं, देश में लाखों करोड़ों निषाद का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा आज सनब मल्ला को जानने लगा। अब मैं भी इसलिए मैं कहता हूँ गर्व से कि मैं सनब मल्ला हूँ, पूरे देश में निषाद का बेटा हूँ, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, आखिरी सांस तक मैं अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। आप सबको पता है कि अगर मैं उनकी बात मान लेता तो शायद ये नहीं होता। आज हमने बोछा में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, आप सबको पता है कि गठबंधन में वो सीट हमारा था। जब सीट अगर हमारे स्वर्गीय विधायक जी का निधन हुआ तो निश्चित तौर पर वो सीट खाली हुआ, और उसका पहला अधिकार वीआईपी का होना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपने मन से अपने प्रत्याशी का नाम का घोषणा कर दिया। और आपने देखा कि 4 महीना उनके पार्टी के लोग किस तरीके से बेइज्जत करते रहे, उनके सांसद किस तरीके से अभद्र बात करते रहे, मैं सुनते रहा क्योंकि मुझे वहां पे चुनाव लड़ना था। आज हमें लोग टारगेट कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, देश के प्रधानमंत्री जी के लेके विरोध किए, तो भैया आप बताइए मेरा जो हक अधिकार है वो मैं किससे मांगूंगा? मैं अमेरिका में जाके मांगू या मैं राहुल गांधी जी से मांगू? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं,
उनको लगता कि वो प्रधानमंत्री जी उनके हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि देश के प्रधानमंत्री जी पूरे 140 करोड़ देश के जनता का प्रधानमंत्री है और वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और हम अपने प्रधानमंत्री से अगर जो हमने सोचा था जो हमारे समाज का हक अधिकार है वो हम उनसे नहीं मांगे तो किनसे मांगे। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या उत्तर प्रदेश झारखंड में नहीं मिल रहा है, तो ये सवाल मैं किनसे करूंगा। आज उनसे मैं मांगने का काम किया तो उनको लगता है कि ये गलत किया। आज उत्तर प्रदेश में तो जेडीयू भी चुनाव लड़े, लेकिन उनके सामने में तो आपने कुछ नहीं बात रखा, लेकिन मुकेश सहनी को आपने टारगेट किया, मुकेश सहनी को आपने कमजोर करने का कोशिश किया है। तो खैर, आपका जो निर्णय था आपने लिया है, अभी हमें बिहार में बिहार के जनता के लिए लोगों के लिए काम करने का मौका मिला है। मैं काम करते रहूंगा और आगे बढ़ते रहूंगा, जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। किसी के सामने में कभी नहीं झुकूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत क्यों ना हो। हाँ, कंधे से कंधे मिला के चल सकता हूँ। अगर चार बात अगर आपका मानता हूँ तो चार बात आपको हमारा भी मानना पड़ेगा। अगर आप अगर कहेंगे कि मैं सहनशाह हूँ तो मैं इस दुनिया में इस धरती पर किसी को सहनशाह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप चाहे वो जो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं वो सब चीज करने के लिए। तो इसलिए आज जो हुआ है ये कोई बड़ा घटना नहीं है, ये सामान्य घटना है। ये संसार में हमेशा होते रहा, जब गरीब पिछड़ा दलित का बेटा आगे बढ़ने का काम किया, आगे अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उनके साथ हमेशा ऐसे होते रहा। आपने अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि चिराग पासवान जी का पार्टी किस तरीके से तोड़ा गया, परिवार में फूट डाला गया, लेकिन क्या हुआ। उससे पहले आपने देखा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उनकी पार्टी अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक ले लिए, फिर क्या हुआ। तो ये विधायक पार्टी नहीं बनाया, पार्टी ने विधायक को बनाया। पार्टी में लोग आते जाते रहेंगे, हमारे विचारधारा से पार्टी आगे बढ़ेगा और जिनको एक्सेप्ट होगा वो पार्टी में हमारे विचारधारा से चलेंगे, जिनको नहीं एक्सेप्ट होगा वो अपने रास्ता अलग बनाएंगे। तो उसे लोगों को भी शुभकामना देते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, ईमानदारी के साथ रहिए, आपको जो जनता ने आपको चुन के भेजा है उनके ऊपर भी आप भरोसा रखिए। यही नहीं है कि आपको नेम फेम पावर मिल जाए, वही चीज है। आज मैं चाहता तो चैन से जिंदगी जीता, लेकिन मैंने ये नहीं चुना, मैंने संघर्ष का रास्ता चुना। अब मेरे हाथ में था ही क्या जो मैं खो गया, कल फिर 4 बनाया फिर 40 बनाएंगे। लोगों का भरोसा अगर हम पे रहा तो निश्चित तौर पे हम अपने कामयाब होंगे। तो इसलिए इससे मैं ज्यादा भयभीत नहीं हूँ, चिंतित नहीं हूँ। अभी मेरा लक्ष्य है कि बोछा में मजबूती से हमारा जो जनाधार है, जो ताकत है, उसको लगाकर बोछा सीट पर लड़ेंगे और जीतेंगे। अब बाकी जिंदगी में जो कठिनाई अभी दिख रहा है आप लोगों के सामने में, इससे बड़े बड़े कठिनाई को हमें सामना करना पड़ेगा। आज देखिए लालू जी ने इतना अच्छा काम करने के बाद भी आज जेल में है, तो ये सब संसार का एक पार्ट है, ये होते रहेगा, इसके लिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप लोगों ने एक गरीब पिछड़ा का बेटा को आवाज को देश दुनिया में पहुंचाने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, तो आप सभी को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ विशेष अगर आपको बात रखना है पूछना है तो मैं शांति से जवाब दूंगा, लेकिन कृपया करके एक एक करके पूछेंगे तो मैं अच्छा रहेगा। जी ठीक है, उनका विषय है, उन्होंने एलिगेशन लगाया। लोग एक हमने बचपन में कहानी सुना था कि लंगूर है ना, अंगूर के पीछे भागता है, अंगूर मिल जाता तो उसके लिए अच्छा होता है, नहीं मिलता तो खट्टा है। जब विधायक बने थे तभी वो उसको मेरी विचारधारा अच्छा था, सारा चीजें अच्छा था, और अभी कल नहीं है तो 50 तरह के एलिगेशन लगाएंगे, इससे घबराना नहीं है। कल तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा विधायक है, तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया, और उससे पहले उन्होंने कहा कि हमने यहां से ये किया, तो ये सारी चीजें तो अरे हम लोग तो पंगा लेने वाले ही लोग हैं, उस कुल खानदान से आते हैं कि हमारे लोग हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिए हैं, और हम अपने नैया को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ने वाले। रहा कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं किसी से भी, आपने हमारे फूलन देवी को आपने देख सुना होगा उनके बारे में, एक छत्र चंबल में उनका ताकत था, लोगों ने किस तरीके से उसको साइड किया, किस तरीके से अत्याचार किया, तो ये हम लोगों के साथ हमेशा ऐसे होते रहा है, और मैं अपने वजूद से कभी समझौता नहीं किया है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का समाप्त हो गया, धन्यवाद।